हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्वेश्चन पेपर फॉर आर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन सो लेट्स स्टार्ट नाउ ये इस क्वेश्चन पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शन है अगर आप चाहते हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं बट आज हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे सेक्शन बी ग्रामर को सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन थ्री कंप्लीट एनी टेन ऑफ द ट्वेल्व ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड ना ऑल दोनों ने हमें एनी टेन क्वेश्चन करने के लिए बोला है आज हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन ट्वेल्व आउट ऑफ ट्वेल्व सो क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ दर्ड इन द्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्सन ऑफ अ लेटर थैंक यू फॉर एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशअर टीम विद योर स्पेक्टैक्यूलर वर्क ना इन ब्लैंक्स में हमें एक वर्ड लिखना है विच इज रिलेटेड टू दिस वर्ड इन द्रैकेट्स इंस्पायर नाव तो सबसे पहले हमें देखना है ये सेंटेंस कौन से टेंस में है ये सेंटेंस है प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे पता चला मैं ये वेल बिकॉज ऑफ दिस लाइन थैंक यू फॉर एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशंस एक्सीडिंग से हमें पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है इसलिए हम इंस्पायर को भी उसी टेंस में लिखेंगे सो so, क्या लिखेंगे हम वी विल राइट इंस्पायरिंग थैंक यू फॉर एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशंस एंड इंस्पायरिंग योर टीम विद योर स्पेक्टैकुलर वर्क वर्कथिक नाउ हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन अ लैपटॉप्स यूजर गाइड द गाइड डिस्क्राइब्स फीचर्स दी गाइड डिस्क्राइब्स फीचर्स दैट आर कॉमन टू मॉस्ट प्रोडक्ट्स some features cannot be available on your computer. Use a given format for response. Now, हमें इस वाले format को use करना है सबसे पहले error लिखना है फिर बाद में supply करनी है correction. तो इस वाले sentence में कौन सी चीज incorrect है कौन सी चीज error है Well, the error is some features cannot be available. Cannot be available is the error. तो एरर में क्या लिखे गए हम कैन नॉट बी अवेलेबल एंड करेक्शन क्या होगी द करेक्शन फॉर दिस सेंटेंस विल बी मे नॉट बी अवेलेबल मे नॉट बी अवेलेबल क्यों होगी वेल बिकॉज मॉडल्स की वजह से क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो पॉसिबिलिटी बताते हैं एंड ये गाइड क्या है, be, है? Well, है, है. ये गाइड मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए किससे पता चला हमें बिकॉज ऑफ दिस गाइड डिस्क्राइब्स फीचर्स डेट आर कॉमन टू मोस्ट प्रोडक्ट्स एंड हम कैन नॉट बी अवेलेबल को मे नॉट बी अवेलेबल से इसलिए रिप्लेस करेंगे बिकॉज जो ये मॉडल वर्ब है इस केस में ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आपके डिवाइस में पॉसिबिलिटी है कि जो ये फीचर्स हैं ये अवेलेबल ना हो इसलिए हम कैन नॉट बी अवेलेबल को रिप्लेस करेंगे विद मे नॉट बी अवेलेबल ऑल राइट सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री read the given conversation between a driver and his passenger complete the sentence by reporting the passenger's reply correctly driver do the bus timings suit you passenger yes if i catch the 9am one i reach office on time reported speech the driver was trying to figure out whether the bus timings were convenient to the passenger

नाउ हम अभी के लिए एज्यूम कर रहे हैं दैसेंजर इज़ अ मेल लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप सी भी लिख सकते हैं सो so, इसलिए हम आई को बदलेंगे ही में इफ ही काट और काट क्यों लिखेंगे वेल बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेज हैं वो सारे पास्ट टेंस में मिल जाते हैं सो so, हम लिखेंगे येस इफ़ आई कार्ट द नाइन एम वन आई वुड रीच ऑफिस ऑन टाइम वुड क्यों आएगा वेल well, बिकॉज ये फ्यूचर की बात हो रही है फ्यूचर की इसलिए आई वुड हैव रीच्ड हैव की जरूरत नहीं है आई वुड रीच ऑफिस ऑन टाइम ये करेक्ट आंसर होगा फिर बाद में क्वेश्चन नंबर फोर चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ गिवन सेंटेंस ये सेंटेंस है दे सेड वी रियली इंजॉयड अ मूवी वी हैव नेवर सीन सच अन लाइफ तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दे सेड दैट दे रियली हैड इंजॉयड अ मूवी दे हैव नेवर सीन सच अवी इन लाइफ जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन का फिर बाद में क्वेश्चन नंबर फाइव फिलिंग द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन

इट इज़ जनरली यूज plural सब्जेक्ट्स एंड सेकेंडली जो फ्यू है वो एक क्वान्टिफायर है एंड जो नॉलेज है उसको तुम क्वान्टिटी में रिप्रजेंट नहीं कर सकते इसलिए आ फ्यू हट जाएगा और आ लॉट ऑफ ये भी इनकरेक्ट होएगा क्यों? बिकॉज सेंटेंस को देखो आप बट ही नोज आ लॉट ऑफ अबाउट मैथमेटिक्स ये भी नहीं हो सकता अगर यहाँ पर अबाउट नहीं होता तो चलो फिर भी सेंस बनाता है लेकिन सेंस यहाँ पे ऑफ आ, आ गया अ लॉट ऑफ भी इन करेक्ट होगा इसकी वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होएगा वो होएगा लिटिल ही इज एन एक्सपर्ट ऑन लैंग्वेजेस बट ही नोज लिटिल अबाउट मैथमेटिक्स लिटिल रिप्रेजेंट करता है कि उसको बहुत कम पता है मैथमेटिक्स के बारे में ऑल राइट right, फिर बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स

नाउ इसमें एरर है वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम सेलर प्रोवाइड जो सेलर है इट विल बी द इनकरेक्ट वर्ड एंड इसके रिप्लेसमेंट में करेक्शन का लिखेंगे हम करेक्शन हम लिखेंगे वन ऑफ़ द दर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ने डोमिन नेम सेलर्स प्रोवाइड सेलर्स इसके करेक्शन है एंड एरर है सेलर तो जब ये करेक्ट होएगा ये सेंटेंस तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको तो हम पढ़ेंगे वन ऑफ द दर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम सेलर्स प्रोवाइड फैंटेस्टिक वेब होस्टिंग पैकेजेस एज वेल फिर बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन आइडेंटिफाई द एरर्स एंड सप्लाई द करेक्शन द आर्ट डिस्प्लेज इन दर्ल्ड आर आ वंडरफुल वे फॉर चिल्ड्रेन टू एक्सप्रेस द टैलेंट हमें वापस से यही वाला फॉर्मेट यूज़ करना है हमारे रिस्पॉन्स के लिए तो इस सेंटेंस में एरर है इन एंड इसका जो करक्शन है वो क्या होगा ऑन क्यों वेल जो आर्ट है वो दीवार के अंदर तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता जो पेंटिंग है वो दीवार के अंदर तो हो नहीं सकती वो दीवार के ऊपर लटकेगी इसलिए कैसे लिखेगा इसलिए हम लिखेंगे ऑन दी आर्ट डिस्प्लेज

हेड कॉल्ड slash complained विल बी दी करेक्ट आंसर क्यों वेल जो वो ही था वो स्टूडेंट स्टूडेंट था उसने accuse करा था कुछ समय पहले ही कि वो एक चीटर थी इसकी वजह से उसने बाद में हेडमास्टर को बता दिया था तो जो ये पूरी स्टोरी है ये पास्ट टेंस में है, और जो ये लड़का है इसने भी पहले ही बात बताई थी पहले से ही बोल दिया था इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बोल रहा है दैट सी वज अ चीटर इसकी वजह से ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा व्हेन ही हैड कॉल्ड हर एज अ चीटर सी कंप्लेन हिम टू दी हेड मास्टर फिर बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन रिपोर्ट डी डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंड सन एंड हिज ग्रैंड फादर बाई कंप्लीटिंग देंटेंस ग्रैंड सन ग्रैंड पा

इसमें हमने टेंसेस क्यों नहीं बदले वेल बिकॉज जो एन एप्पल अ डे की डॉक्टर जब है ये एक जनरल ट्रूथ है एंड हम ट्रूथ्स का सेंटेंस हम ट्रूथ्स के टेंस कभी भी नहीं बदलते इसलिए जो ये टेंस है एन एप्पल अ डे की डॉक्टर जब है ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा और बदलेगा नहीं तो क्या लिखेगा हम लिखेंगे द ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दैट एन एप्पल अ डे कीसली डॉक्टर जब है फिर बाद में क्वेश्चन नंबर टेन चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ सेंटेंस ऑफ अ गिवन सेंटेंस आई डोंट स्पीक उर्दू सी सेड ना ये हमारे ऑप्शंस हैं एंड इसमें करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन बी सी ऑप्शन ए सी सेड दैट सी डेंट स्पीक उर्दू इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होएगा बिकॉज जैसा आप मैंने आपको पहले बताया था जो वो सारे के सारे वर्ड्स हैं दे विल बी चेंज इन टू पास्ट टेंस और जो प्रोनाउंस है दे विल ऑल्सो बी चेंज अकॉर्डिंगली इसलिए ऑप्शन सी सी सेड दैट सी डिडेंट स्पीक उर्दू विल बी करेक्ट ऑप्शन फिर बाद में क्वेश्चन नंबर एलेवन कंप्लीट दी लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग By filling the blank with the correct option. Where the mind is without tear and the head is held high, where knowledge is free, where the world does not dash up into fragments by narrow domestic walls. Now are our options and this is the correct option. Huyega. Option A has been broken. Baad mein, question number twelve. 12 final question identify the error and supply the correction for the following delhi government covid-19 family financial assistance scheme an assistance of rupees 50000 will be given to all family living in delhi on each death of any family member due to covid-19 whether or not they were earning members में वापस है हमें यही फॉर्मेट यूज़ करना है ऑफ़ एरर एंड करेक्शन तो इस सेंटेंस में एरर क्या आएगा वेल एरर है ऑल एंड करेक्शन होएगा एवरी क्यों होएगा वेल बिकॉज जो एवरी है इन केस ऑफ ग्रुप्स लाइक फैमिली जो एवरी वर्ड है उसको हम जनरली यूज करते हैं एज इट रिफर्स टू एवरी मेंबर ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप इसलिए जो एवरी इट विल बी दी करेक्शन एंड एरर क्या आएगा ऑल तो जब हम करेक्शन के साथ पढ़ेंगे सेंटेंस को तो कैसे पढ़ेंगे वी विल सेट एज़ एन असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड विल बी गिवन टू एवरी फैमिली लिविंग इन दिल्ली ऑन ईच डेथ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर ड्यू टू कोविड नाइन्टीन वेदर और नॉट देवर अर्निंग मेम्बर्स ना हम बाकी सारे सेक्शंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसलिए अगर आपको और पार्ट चाहिए तो फिर इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें एंड मेक एट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल आई होप ऑल लर्न समथिंग न्यू एंड बाय बाय